राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार बोली शिल्पा शेट्टी, जारी किया बयान। तो हो गई ट्रोल। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शिल्पा को लगाई फटकार। किसी ने कहा आ गई सिंपति लेने, तो किसी ने लिखा ओ ज्ञान देने वाली दीदी। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ट्रोलर्स के निशाने पर थी रिया चक्रवर्ती। वेल, शिल्पा शेट्टी इन दिनों बुरे समय से गुजर रही हैं। शिल्पा के पति और बिजनेसमैन राजकुंद्रा अश्लील वीडियोस के केस में जेल में हैं। ऐसे में शिल्पा शेट्टी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इस बीच आज शिल्पा ने इन सभी बातों के साथ साथ अपनी ट्रोलिंग को लेकर बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। ये पोस्ट चंद मिनटों में वायरल हो गया। कमेंट्स की बारिश लगातार हो रही है। कई यूजर्स ने शिल्पा को सपोर्ट किया, तो वही कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने शिल्पा को जमकर खरी खोटी सुनाई। शिल्पा का स्टेटमेंट लोगों के गले से नहीं उतरी। देखिए ये रिएक्शंस। ठीक ऐसा ही रिया चक्रवर्ती के साथ भी हुआ था। जब सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद वो पहली बार सामने आई थी। रिया ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उन्हें कोर्ट और जुडिशियरी पर विश्वास है और उन्हें न्याय मिलेगा। देखिए ये वीडियो। इस वीडियो के बाद रिया को भी जमकर ट्रोल किया गया। वेल, आज रिया अपनी जिंदगी को वापस नॉर्मलसी में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें आज भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है। अब ठीक रिया की ही तरह राजकुंद्रा अश्लील वीडियोस मामले में शिल्पा शेट्टी को भी यूजर्स जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। वेल, आपके क्या रिएक्शंस हैं इस मामले में शिल्पा के बयान पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।